नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम एस्टरकुलिया होम्योपैथिक दवा के फ़ायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं। तो आइए समझते हैं। यह जो दवा है वह शराबियों की दवा है। जो ज़्यादा मात्रा में शराब पीते हैं उनके लिए यह बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। ज़्यादा मात्रा में शराब पीने वाले की पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में एस्टरकुलिया भूख और पाचन शक्ति की वृद्धि करता है और शराब पीने की इच्छा को भी दूर करता है। एस्टरकुलिया शराब पीने की इच्छा अर्थात जो क्रेविंग होती है उसको शांत करती है। एस्टरकुलिया दवा शराबियों की शराब पीने की आदत को छुड़ाने के लिए बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। और शराब पीने के कारण जो भूख में कमी आ जाती है, भूख बिल्कुल मर जाता है, उसको भी यह ठीक करती है। दमा रोग को अच्छा करती है और शरीर को ताकत प्रदान करती है। यह दवा दमा में तो फायदेमंद है जैसा कि मैंने बताया। शीघ्र थक जाने की समस्या को भी यह दवा ठीक करता है और शारीरिक परिश्रम करने की शक्ति को बढ़ाता है। यह दवा दिल की धड़कन को ठीक करता है और पेशाब को लाता है। जिसका पेशाब रुक गया है उसको एस्टरकुलिया होम्योपैथिक दवा देने से पेशाब आने लगता है। मांसपेशी की कमजोरी को भी यह दवा अच्छा करती है। इसके अलावा यह दस्तों को रोकने में भी काम आती है और शरीर में खून के संचार को ठीक करती है। तो जैसा मैंने लक्षण बताया वैसे उन लक्षणों पे एस्टरकुलिया बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और यह खास तौर पर शराबियों की बहुत अच्छी दवा है क्योंकि शराबियों की जनरली जो शराब पीने की इच्छा क्रेविंग उठता है उसको यह शांत करती है। इसके अलावा भी मैंने बताया कि किस किस लक्षणों में यह फायदेमंद है। तो वैसे लक्षण में आप जरूर एस्टरकुलिया होम्योपैथिक दवा का सेवन कर सकते हैं। इस दवा की तुलना हम कोका दवा से भी कर सकते हैं क्योंकि कोका में भी शरीर कमजोर और दुबला पतला होता जाता है और यह दवा शराब और तंबाकू के सेवन की इच्छा लालसा को कोका शांत करता है। तो एस्टरकुलिया और कोका लगभग एक समान दवा की तरह काम करता है। एस्टरकुलिया भी शराबियों की दवा है और कोका भी शराबियों की दवा है। जो तंबाकू का ज़्यादा सेवन करते हैं वो भी कोका का सेवन करेंगे तो उनकी क्रेविंग शांत करती है। अच्छा, अब एस्टरकुलिया के किन पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो लक्षण मिलने पर आप एस्टरकुलिया क्यू अर्थात मदर टिंचर का इस्तेमाल कीजिएगा और उसका 10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम में पीना है। तो अगर आप इस दवा का सेवन लगातार 1 महीने तक करेंगे तो आपके पाचन शक्ति बहुत मजबूत होगी। जो शराब पीने की क्रेविंग उठती है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, शराब पीना छूट जाएगा, शरीर मजबूत होगा, मांसपेशी मजबूत होगा और जो भूख में कमी आई है, शरीर दुबला पतला क्षीण होता जा रहा है, उसको यह दवा पूरी तरह से मजबूत कर देता है, शारीरिक परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। बहुत जल्दी थक जाते हैं तो उसको भी एस्टरकुलिया बिल्कुल जल्दी थकने नहीं देता और ताकत अंदर से प्रदान करेगा कि आप जल्दी थकेंगे नहीं, काम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। तो जैसा जैसा मैंने लक्षण बताया है उस पर एस्टरकुलिया बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर कोई आपके फैमिली में शराब पीता है तो उसको आप जरूर एस्टरकुलिया होम्योपैथिक दवा दीजिए ताकि उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो और शराब पीने की आदत जो बन गई है, क्रेविंग होती है, वो धीरे धीरे करके शांत हो जाए। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। 2 दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रेक्वेग, SBL, एडिल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।